फोकर की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब भर के इजलास से आए हुए नबीना अफराद का अपने मुतालबात के हक में प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी धरने का दूसरा दिन। मुजाहिरीन का कहना है कि हम सब बहुत गरीब लोग हैं, 8-7-5 साल से कुछ अफराद डेली वेजिस पर काम कर रहे हैं। एहतजाजी धरने का दूसरा दिन मुजाहिरीन का कहना है कि हम सब बहुत गरीब लोग हैं, 8-5 साल से कुछ अफराद डेली वेजिस पर काम कर रहे हैं और काफी बेरोजगार भी हैं। शदीद तूफानी महंगाई में जिंदगी बसर करना इंतहाई दुश्वार हो चुका। अभी तक हमारे पास कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं आया। महकमा सोशल वेलफेयर जो लोग आते हैं इनके पास इख्तियारात नहीं होते, ये हमारे साथ झूठे वादे करके चले जाते हैं। कई साल से हमारे मुतालबात पर अमल दरामद नहीं होता। हमारा वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा है कि डेली वेजिस मुलाजमीन को रेगुलर किया जाए और बेरोजगार अफराद रोजगार फराहम किया जाए, वरना हमारा एहतजाजी धरना जारी रहेगा। एहतजाज की वजह से शिमला पहाड़ी के इतराफ ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार।